दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की वीडियो में आप सबको हम समझाने वाले हैं कि जो हमारा थ्री बाई टू वे 5/2 वे जो हमारा सोलेनाइड वाल्व होता है वो एक्चुअल होता क्या है और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है और इनका मतलब क्या होता है 3/2 का 5/2 का। तो दोस्तों सबसे पहले आपको समझना है कि यहाँ पर वे का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों वे का मतलब होता है पोर्ट। पोर्ट से यानी कि जो हमारे सोलेनाइड वाल्व में जो हमारे ट्यूब जहाँ पर कनेक्ट किया जाता है जो होल होते हैं वही उसी पोर्ट से रिलेटेड होता है। यहाँ पे वे का मतलब होता है रास्ता है। तो दोस्तों ये 3/2 वे 5/2 वे को समझने से पहले हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि नॉर्मली जो हमारा 2 वे वाल्व होता है, 2 वे वाल्व मतलब जो हमारा डायरेक्ट ऑपरेटिंग ऑनलाइन जिसको हम बोलते हैं ऑनलाइन सोलेनाइड वाल्व, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये कि हमारा ऑनलाइन सोलेनाइड वाल्व है जो कि वाटर लाइन में सील वाटर लाइन में आपको ज़्यादातर देखने को मिल जाएगा, या फिर जो हमारा पर्जिंग एयर के लिए जो सोलेनाइड वाल्व यूज करते हैं पर्जिंग टैंक में, तो उसमें भी ज़्यादातर इसी टाइप का जो हमारा डायफ्राम टाइप का जो आता है सोलेनाइड वाल्व। तो ये हमारे ऑनलाइन वाल्व होते हैं ऑनलाइन डायरेक्ट ऑपरेटिंग टाइप। तो इसमें हम बोलते हैं टू वे का मतलब इसमें एक इनलेट और एक हमारा आउटलेट होता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इसमें सिंबल भी बना रहता है। इसमें ये हमारा इनलेट साइड रहता है, ये हमारा आउटलेट साइड रहता है। तो इसी को हम बोलते हैं टू वे या फिर डायरेक्ट एक्टिंग टाइप या फिर पायलट ऑपरेटेड टाइप। इसमें दो टाइप का आता है, एक डायरेक्ट एक्टिंग आता है, एक पायलट ऑपरेटेड आता है। तो वो हमारा इंटरनल वर्किंग होता है। बाकी यहाँ पे जो वे होता है वे का मतलब होता है इसमें टू वे। ये आप देखिए एक सिंगल टू वे में एक इनलेट एक हमारा आउटलेट है, तो इसको बोलते हैं टू वे। अब ये हमारा टू वे, वे का मतलब हो गया इसके रास्ता। अब यहाँ बात होता है 3/2 वे और 5/2 वे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 3/2 और 5/2, 3/2 का मतलब ये होता है कि इसमें तीन पोर्ट होंगे। 3 का मतलब 3/2 के यानी तीन जो है वो हमारा पोर्ट दर्शाता है, और बाई टू जो होता है वो हमारा होता है कंडीशन। कंडीशन मतलब ऑपरेटिंग कंडीशन। अब जैसे क्या है कि 3/2 में 3 पोर्ट होंगे, तो देखिए ये हमारा 3 पोर्ट का मतलब यहाँ पे एक हमारा इनलेट है, एक नंबर हमारा इनलेट है यहाँ से एयर इनलेट होता है, और 2 नंबर जो है हमारा आउटलेट है, और एक हमारा एग्जास्ट के लिए रहता है। तो इसका मतलब होता है 3/2 का मतलब 3 हमारे पोर्ट होंगे एयर के, और 2 जो है वो हमारे 2 पोजीशन है। पोजीशन का मतलब इस वाल्व का ऑपरेटिंग कंडीशन। तो पोजीशन मतलब होता है ऑन और ऑफ। इसमें हमारे 2 ही इसके कंडीशन है, या तो ऑन होगा या फिर ऑफ होगा, 2 कंडीशन है। तो ये इसका मतलब यही होता है 3/2 का कि 3 पोर्ट है और 2 इसके पोजीशन है, ऑन या फिर ऑफ। सेम उसी प्रकार से जो हमारा 5/2 होता है, 5 का मतलब 5/2 में इसमें 5 पोर्ट होंगे आपके। एक यहाँ पे देखिए इस ये जो हमारा बीच वाला रहता है वो हमारा इनलेट होता है, और अपोजिट साइड के 2 हमारे इधर आउटपुट होते हैं, बाकी का जो दो पोर्ट होता है हमारा 2 एग्जास्ट रहता है। तो इसमें हमारा 1 इनलेट 2 आउटपुट और 2 हमारे एग्जास्ट रहते हैं। तो इसमें टोटल हो गया 5 पोर्ट। तो और इसमें 2 कंडीशन इसके भी है, या तो ऑन होगा या फिर ऑफ होगा। तो इसको इसीलिए बोलते हैं 5/2 वे, और इसमें 3 पोर्ट हैं और 2 कंडीशन इसका भी है ऑन और ऑफ का, तो इसीलिए इसको बोलते हैं 3/2 वे। तो इसमें 1 इनलेट 1 आउटलेट और 1 एग्जास्ट, इसमें 1 इनलेट 2 आउटलेट और 2 एग्जास्ट। तो और बाकी जो हमारा ये वाला है डायरेक्ट 2/2 वे भी इसको बोलते हैं। इसमें क्या है कि 2 वे भी है, 1 इनलेट 1 आउटलेट, और ये भी ऑन और ऑफ 2 इसके पोजीशन है। तो 2/2 वे हो गया, ये 3/2 वे, ये 5/2 वे। अब दोनों में देखिए डिफरेंस क्या है दोस्तों। दोनों में ये पोर्ट का तो अंतर है ही, इसके अलावा एक डिफरेंस क्या होता है कि देखिए दोनों का कंडीशन है ऑन और ऑफ दोनों हो रहा है, लेकिन इसमें 1 इनलेट और 1 ही आउटलेट है। तो इसका जो यूज किया जाता है वो दोस्तों सिंगल एक्टिंग सिलेंडर या फिर सिंगल एक्टिंग एक्चुएटर के लिए यूज किया जाता है। आपने कई जगह देखा होगा जैसे जहाँ पे हमारे जो एक्चुएटर होते हैं रोटरी एक्चुएटर या फिर न्यूमेटिक सिलेंडर से होते हैं, उनमें एक ही एयर का पोर्ट होता है, और बाकी जो दूसरा जो होता है वो स्प्रिंग रिटर्नेबल होता है, स्प्रिंग उसमें फिट किया गया रहता है। एक तरफ से एयर से ऑपरेट होता है, दूसरी तरफ से जैसे एयर उसमें से हट बैक आता है तो वो स्प्रिंग प्रेशर के द्वारा फिर से इनिशियल कंडीशन में आ जाता है। तो जहाँ पे हमारा सिंगल एक्टिंग सिलेंडर या फिर एक्चुएटर होता है उसमें हम इसे 3/2 वे सोलेनाइड के यूज किया जाता है। ये जो 3/2 वे है दोस्तों अलग अलग टाइप के आते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा बिग साइज का है, अलग मटेरियल का है। इसमें का छोटे साइज का भी आता है 3/2 में, और सेम ऐसे ये जो हमारा 5/2 है तो इसमें 2 आउटपुट के पोर्ट हैं। तो इसमें 2 आउटपुट होंगे, तो दोनों दोस्तों 2 हमारे एग्जास्ट भी दिया गया है दोनों के आउटपुट के लिए अलग अलग। तो ये हमारा होता है डबल एक्टिंग सिलेंडर के लिए, जैसे कि 2 डबल एक्टिंग सिलेंडर या फिर डबल एक्टिंग जो हमारे एक्चुएटर होते हैं उनके यूज के लिए, उनको ऑपरेट कराने के लिए हमारे 5/2 वे सोलेनाइड का यूज किया जाता है।
तो दोस्तों इसमें हमारे बहुत सारे दोस्तों को कन्फ्यूजन रहता है कि हम एक्चुअल में है क्या 3x2 है, 5x2 है या फिर 2x2 है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि इनका यूज कहाँ पे है। ये हमारा जो है इन लाइन, ये डायरेक्ट लाइन में ही लगा दिया जाता है, वाटर लाइन या फिर एयर लाइन है, डायरेक्ट उसी लाइन में लग जाता है। एक साइड में एयर का इनलेट है, एक साइड दूसरे में आउटलेट कनेक्ट हो जाएगा। और ये जो हमारे होता है, ये जो वाल्व होता है, ये किसी दूसरे वाल्व को ऑपरेट कराने के लिए लगता है, जैसे सिंगल एक्टिंग सिलेंडर या फिर सिंगल एक्टिंग एक्चुएटर को। इसमें एक लाइन इनलेट में देखिए, ये हमारा इनलेट है एक नंबर, इसमें एयर जाएगा। और दो नंबर वाले में से ये हमारा दो नंबर इधर दिया है, किसी किसी में इस साइड में दिया गया रहता है, तो ये दो से हमारा एयर आउटपुट निकलेगा। तो आउटपुट जैसे जिस सिलेंडर या एक्चुएटर में जाएगा, तो सिलेंडर एक्चुएटर जो है हमारा ऑपरेट हो जाएगा। और फिर जैसे ही हमारा स्पेस से कमांड हटेगा, तो कमांड हटेगा तो इसके अंदर का जो पोर्ट होगा वो चेंज हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, कि जो हमारा एक्चुएटर सिलेंडर का जो एयर होता है वो हमारे इस एग्जास्ट वाले पोर्ट से बाहर आ जाता है। और अभी एग्जास्ट पोर्ट इसलिए दिया गया रहता है क्योंकि इसमें जो एयर प्रेशराइज हुआ रहता है सिलेंडर या फिर एक्चुएटर में, जब तक वो एयर जो रहता है अगर वो बाहर नहीं निकलेगा तो वो जो सिलेंडर या फिर एक्चुएटर जो है वो क्लोज नहीं होगा, दूसरे साइड से उस पर प्रेशर ही नहीं पड़ेगा। इसीलिए इसमें एग्जास्ट पोर्ट दिए गए रहते हैं सोलेनाइड वाल्व में, जो प्रेशर दूसरे साइड में रहता है उसको बाहर निकालने के लिए। जब तक उधर का प्रेशर बाहर नहीं निकलेगा तब तक जो सिलेंडर या फिर एक्चुएटर है वो एक्ट नहीं करेगा, यानी ओपन है तो क्लोज नहीं होगा, क्लोज होगा तो ओपन नहीं होगा। तो कभी कभी यही प्रॉब्लम आता है दोस्तों कि एग्जास्ट पोर्ट जो होता है ये हमारा चोक हो जाता है या जाम हो गया रहता है, तो इसकी वजह से भी हमारे एक्चुएटर्स या फिर सिलेंडर्स जो होते हैं वो ऑपरेट नहीं होते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना रहता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि 3x2 क्या होता है, 5x2 क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है, और ये जो 2x2 है इसका क्या काम रहता है। तो सब में देख सकते हैं, सब में यहाँ पे मैनुअल ऑपरेटिंग के लिए यहाँ पे दिया गया रहता है, और ये सोलेनाइड से तो ऑपरेट होता ही है, यहाँ पे सब में मैनुअल ऑपरेटिंग दिया गया रहता है। और ये देखिए इसमें भी हमारा मैनुअल ऑपरेटिंग के लिए यहाँ पे पूरे को बटन दिया गया रहता है। तो यही था हमारा डिफरेंस 3x2 का, 5x2 का, 2x2 का। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पे आप मेरे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको किसी और तरीके का वीडियो चाहिए, अगर आपको कुछ कहीं कहीं कन्फ्यूजन है, तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिएगा।